परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात के राज्यपाल महोदय, राज्यसभा में उपसभापति जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय राज्य मंत्री जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्षगण, अध्यक्ष जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, माननीय संसद सदस्यगण, प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथिगण, आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन केवड़िया में हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन के समापन समारोह में हमसे जुड़े हैं। सम्मेलन का आयोजन हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की पावन जन्मभूमि पर हो रहा है, जहां एक ओर मां नर्मदा का सतत प्रभाव है, दूसरी ओर राष्ट्र के एकीकरण के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है। ये पूरा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण के विजन का प्रतिबिंब है। उन्होंने एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का अद्भुत संतुलन रखते हुए एक विश्व स्तरीय एवं आत्मनिर्भर क्षेत्र विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में स्थानीय और आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रोजगार और कल्याण के सतत अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पीठासीन अधिकारी दो दिन से इस पावन भूमि को देख रहे हैं और अभिभूत हैं। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता से हम सब प्रेरित हुए हैं और हमें नई शक्ति और ऊर्जा भी मिली है। आज भारत के संविधान की 71वीं सालगिरह के पुनीत अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा की छत्र छाया में संविधान की शपथ लेकर हमें दिव्य अनुभूति हुई है। ये शपथ हमारे लिए औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। विषम परिस्थितियों के बावजूद दो दिन में इस महासम्मेलन में 20 विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिनिधियों ने संवैधानिक विषयों पर व्यापक संवाद किया और अपने अनुभवों तथा विधान मंडलों में किए जा रहे नवचारों का भी साझा किया। सम्मेलन में ये सभी का मत था कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर सहयोग, सामंजस्य और समन्वय की भावना से कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब सभी संस्थाएं मजबूत होने के साथ साथ जनता के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी हो। पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प भी लिया है कि हम अपनी विधायिका को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के साथ साथ सदन की गरिमा एवं सम्मान को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभा ने लोकतंत्र उत्सव के आयोजन, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ विधायिका पुरस्कार की स्थापना और नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के प्रसार पर भी सर्वसम्मत तरीके से निर्णय लिए हैं। हमने कई फैसले और निर्णय किए जिनके आधार पर हम लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। ये भी हमने निर्णय लिया है कि सम्मेलन में किए गए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से प्रभावी क्रियान्वयन
करने का भी हमने संकल्प लिया है। हमारे राष्ट्रनायकों ने दलगत और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर एवं नागरिकों को केंद्र में रखकर संविधान की रचना की थी। आज हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करें। हम भले ही अलग अलग दलों से चुनकर आते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य देश हित और जनहित ही होता है। स्वतंत्रता के समय हमारे देश की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि नागरिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समर्पित भावना से पालन करें। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के निर्वहन पर भी समान बल देता है। संविधान आधुनिक गीता की तरह है जो हमें क्रम करने की प्रेरणा देता है तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। हमारे देश की जनता ने इन्हीं भावनाओं का आत्मसात किया है। आज कोरोना वैश्विक महामारी के समय सभी देशवासी सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं और इस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, और हम अपने नागरिक अधिकारों के कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं। आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर गुजरात की इस पुण्य भूमि से हम नए और मान राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेकर जा रहे हैं। इस धरती से राष्ट्रपति महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का आह्वान किया था, और आज इसी धरती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में हमारा देश सफलता, शौर्य और समृद्धि में के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज हमारा दायित्व है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा की भावना रखते हुए राष्ट्र निर्माण का संकल्प जन जन तक पहुंचाएं। संविधान दिवस पर यही हमारा सच्चा संकल्प होगा और अपने संविधान निर्माताओं के प्रति सच्चा समर्पण होगा। अतः मैं सभी पीठासीन अधिकारियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका मार्गदर्शन इस स्थान चयनित करने में मिला और आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः धन्यवाद। और सभी पीठासीन अधिकारी इस स्थान को देखकर अभिभूत हुए हैं, इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं।